Good morning to all of you. Now we are going to discuss about turn ratio and transformation ratio. Turn ratio, that is, it is defined as the ratio of primary number of turns to the secondary number of turns of in the transformer. That is, transform ratio is represented by n, small n, that is primary number of turns divided by secondary number of turns. तो हम इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज स्मॉल एन. स्मॉल एन इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एन वन, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स एन टू. ओके, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज टू द प्राइमरी रेटेड वोल्टेज. सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज दैट इज वी टू एंड प्राइमरी रेटेड वोल्टेज दैट इज वी वन. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय के. के इक्वल टू सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी रेटेड वोल्टेज, दैट इज के इक्वल टू वी टू बाय वी वन. ओके, अब आते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन. आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज़ नो ओमिक लॉस एंड नो लीकेज. दैट इज ऑल द फ्लक्स सेटअप इन द कोर लिंक्स विद द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. देयरफॉर देयर इज नो कोर लॉस एंड नो कॉपर लॉस एंड हैंस आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू द इनपुट पावर. ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, कोई भी ओमिक लॉस और कोई भी लीकेज लॉस नहीं होगा. तो जितना भी फ्लक्स लिंक कर रहा है कोर के अंदर वो प्राइमरी से और सेकेंडरी से लिंक करेगा. तो जो पावर क्या होगी, इक्वल होगी. तो आउटपुट पावर दैट इज आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी टू. आउटपुट करेंट क्या है, आई टू. तो आउटपुट वोल्ट एम्पियर क्या होगा, वी टू आई टू. इनपुट वोल्ट एम्पियर क्या होगा, वी वन आई वन. तो वी टू आई टू इक्वल टू वी वन आई वन. तो V2 by V1 equal to I1 by I2. ओके, तो सिंस देर इज नो लीकेज एंड नो ओमिक ड्रॉप, जब कोई ड्रॉप नहीं होगा तो V2 is equal to E2 and V1 equal to E1. जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो V2 के इक्वल होगा, V1 और V2 के इक्वल होगा. सिंस एज वी नो दैट द ई एम एफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर E equal to 4.44 Fn 5m. E is directly proportional to N. तो secondary number of secondary induced voltage, secondary number of turns, primary induced voltage, primary number of turns. तो V2 by V1, तो V2 किसके इक्वल होगा, E2 के. V1 किसके इक्वल होगा, E1 के. E2 किसके प्रोपोर्शनल है, N2 के. E1 किसके प्रोपोर्शनल है, N1 के. तो V2 upon V1 equal to I1 upon I2. This is called transformation ratio. Okay?